उठो बैठो, पांच बार उठो बैठो, चुम्मा चाटी कर रहे हैं यहाँ पे, पार्क बनाए इनको, चुम्मा चाटी करेंगे, बैठो उठो पहले, यहाँ पे चुम्मा कर, माफी मांगते हैं, बैठो पांच बार, खड़े हो जाओ, दोबारा चुम्मा चाटी करोगे पार्क में। 50 साल का बुढ़ा लवंडिया लेके बैठा हुआ किस कर रहा है वो भाई, उसके पास कैमरा लगा लो तो पहुंच रहे हैं हम। नो 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 नो। अरे हेलो अंकल, अरे आपकी लवंडिया यहाँ पे चुम्मा चाटी कर रही है बुढ़े के साथ। अरे 50 साल का बुढ़ा, उसके साथ चुम्मी आ रही है उसको। नंबर कहाँ से आया, शांत रहेगी। अरे यहाँ पे वो बुढ़ा है, पता नहीं 50 साल का बुढ़ा है, उसके साथ चुम्मी आ रही है उसको। क्या किसी के घर पे क्यों बात कर रहे हो? अरे अरे किसने बोला? क्या किसने बोला? किसने चुम्मा चाटी कर रहा है? कौन बोल रहा? क्या किसने बोला हम चुम्मा चाटी कर रहे हैं? अरे चुम्मा चाटी कर रहे हैं, क्या मतलब हमें? क्या मतलब? हाँ तुम्हें क्या मतलब? देख देख लीजिए अंकल, आपकी जो बेटी वो बोल रही है हमसे क्या मतलब? आपके पड़ोसी हैं भाई, पड़ोसी हैं, क्या पड़ोसी हैं हम? अरे हाँ 50 साल का बुड्ढा है सामने, उसके बगल में उससे चुम्मी आ रही है उसको। क्या मतलब? क्या मतलब? कुछ भी चुम्मा है, कुछ भी करे, तुम्हें क्या मतलब? अरे वो आपकी लड़की बोल रही है हमसे क्या मतलब? ये पड़ोसी हैं हमारे, पड़ोसी ये है? पड़ोसी है, पड़ोसी है, बिल्कुल बराबर में रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आपकी जो लवंडिया है ना, वो पड़ोसी वाले को फंसाई है, पड़ोसी जो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अपने पड़ोसी ऐसे घर में बवाल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, समझा कर, उसके घर में भी हो जाएगी, मेरे घर में भी हो जाएगी। मतलब क्या है? समझा कर, कुछ भी करे तुम्हें क्या मतलब? आप आ जाइए डीडीए पार्क में, आ जाइए, यहाँ पे आपकी लवंडिया जो है चुम्मी आ रही है, कब से आ जाइए जल्दी। हेलो क्या, हेलो भैया, बोलो। देखो मेरी बात सुनो, इसके घर में बवाल हो जाएगा, मेरे घर में भी बवाल हो जाएगा, ये पड़ोस में रहती है, पड़ोस में रहे या कहीं रहे, तुम चुमियाओगे इसको? ये चुमिया कोई ना रहे थे, वो देख रहा था मैं इसको। अच्छा आपने कह दिया कि ऐसे अच्छा, ऐसे ऐसे, ऐसे छुओगे लड़की को, बोल रहे थे नहीं, देख रहा था। क्या हो गया फिर? क्या हो गया? पड़ोसी में रह रही है तो छू भी लिया तो क्या हो गया? तुम्हें क्या मतलब हमसे? क्या मतलब? हाँ तो यहाँ पे बुड्ढे को चुमिया रही है, तुम्हें लड़के नहीं मिले थे? देखा है तुमसे क्या मतलब? हमें कुछ भी करे, चुमिया है, कुछ भी करे, तुम्हें क्या मतलब है भाई? तो पड़ोस में रह रहे तो तुम्हारे पापा तो बोलते थे मेरी लवंडिया बहुत सीधी है। अरे सीधी है आज भी? हाँ तुम्हें क्या मतलब है? कोई कुछ, तुम्हारे पापा तो बोलते थे मेरी लवंडिया बहुत सीधी है, तू तो कीचड़ निकली, कीचड़ समाज में, गंदगी, बुड्ढे के साथ फंसी है तू। मैं बात करती हूँ, आप चुप हो जाओ। क्या है तुम्हें? हम कुछ भी करे तो यहाँ बुड्ढे को चुमिया आएगी? तो चुमियाऊंगी, तुम्हें क्या मतलब हमसे? क्या मतलब? हाँ तुम्हें क्या मतलब? अंकल चुप हो जाओ, बवाल आ जाएगा ये समाज। तू बुड्ढे को चुमी आएगी, तुम्हें लड़के नहीं मिले थे? तू जाने जा, तुझे क्या मतलब? निकल आजा फुर्सत में। क्यों निकलो? निकल आराम से, बेखामे दिमाग खराब कर रहा है। पापा तो बोलते मेरी बिटिया लाखों में। अरे कुछ भी बोलते हो, तुम्हें क्या मतलब? ये शरीफ है, शरीफ है वो, आज भी शरीफ है। मैं तुम्हारे से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तुम यहाँ पे चुमी आ रहे थे तो शरीफ हो गए। चुमियाने में क्या दिक्कत है? दूसरे की बेटी को देखो, बोलोगे बिगड़ेल है। अंकल चुप हो जाओ, तुम जाने यहाँ से, निकल यहाँ से। तुम्हारे पापा बुला के घर में बवाल हो जाएगा। अरे बेटा तुम भी, अरे वो हमारे ऊपर वो चैट हो रही है आपकी बिटिया। नहीं बुला ले। क्या देख ली, आवाज सुनिए उसकी, नहीं क्या है? क्या निकल जहाँ से, मैं कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मैं बूटे के साथ कहीं भी जाऊँ, तुझे क्या मतलब हमसे? क्या मतलब? हाँ तेरे घर में, समझा करो। बच्चे शर्म नहीं आई, बूढ़े के साथ फंसी है तू? तू जा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या जो तू मुंह मारने आ जाता है कहीं कहीं? मैं मुंह मारने नहीं आया, मैं अंकल को दिखाने आया हूँ कि आपकी बिटिया लाखों में एक नहीं है, कीचड़ है, कीचड़। तुझे क्या मतलब? तू जान अपना, निकल। तू बूढ़े के साथ फंसेगी तो तुझे क्या मतलब? मैं किसी के साथ फंसू? किसी के साथ फंसोगी? हाँ तो तुझे क्या मतलब है? रुक भैया, अंकल को बताते हैं ना कितने। अंकल को बता दो, हर चीज में धमकी दिए जा रहे हैं। क्या धमकी दिए जा रहा है? अंकल को बताता हूँ, अंकल को बताता हूँ, फोन कर करके। तो क्यों बुड्ढे के साथ फंसेगी तू? तुझे क्या मतलब? तू निकल, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं है ना, तो फिर तो मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मैं ये गंदा काम नहीं करता इस पार्क में। तो यहाँ पे पार्क में बैठी चुमिया आ रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? उधर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? अरे ये तो बच्ची है, तुझे नहीं शर्म में आई? अरे भाई मेरे को माफ कर दो यार, मेरे घर में बवाल पड़ जाएगा इसको, समझा करो यार। कैसे समझूं तुम यार, 50 साल की आपकी एज। अरे यार ऐसा कुछ नहीं था, ये पड़ोस में रहती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से हाथ जुड़वा ले भाई, मेरे से गलती हो गई भाई, गलती। तू 50 साल का बुढ़ा हो के तू बताओ ये लड़की को लेकर चुमिया रहे हो, शर्म करो यार। अरे तुम्हें क्या मतलब? तुम जाओ ना। मैं जाऊं? हाँ अभी तक समझ नहीं आ रही, इतनी सुनाई सुनाई, निकल जा सीधा रास्ता रहा सामने से। तू हमारे पीछे पीछे मत आ, दिमाग मत खराब कर, चले जा सीधा चुपचाप से, ठीक है? इतना दिमाग खराब करने लग रहा है। ज्यादा चैट नहीं दिखा रही है तू? क्या चैट दिखा रही हूँ मैं? चैट नहीं दिखा रही है? क्या चैट दिखा रही हूँ? इतनी देर हो गई है, बकपेली करते हुए। एक लपड़ा, एक लपड़ा क्यों मारेगा? एक लपड़ा खींच मार के देख, मेरे पास हाथ नहीं है देख मारने के लिए। छोड़ दो, घर पे मत बताओ उसके। यार आपकी बीबी है, आपकी वाइफ भी होगी, बच्चे होंगे अभी। आप समझा करो, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, ये आपको ऐसा लग रहा है। मैं माफी मांगता हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ। सच्चाई बताओ, ये तुम चुमिया रहे थे कि नहीं ये बताओ? यार तुमने क्या देखा है क्या नहीं देखा, मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी। मेरे को पर ये गलत काम कर रहे थे कि नहीं यहाँ पे तुम इस बच्चे के साथ, ये बताओ? पार्क ऐसा में कुछ नहीं कर रहे थे? नहीं मेरे को माफ कर दो। मेरे होता कौन है रे?
हम अपनी कमाई खा रहे, तेरी नहीं खा रहे। ज्यादा चैट मत दिखा, मारेंगे खींच के, जबरदस्ती मार देगा। मेरे पास हाथ नहीं मारने के लिए। बन रहा चौधरी अपने आप में, निकल जा चुपचाप से वो रास्ते, निकल जा। चौधरी नहीं बन रहा हूँ, ठीक है? क्या बन रहा है? चुमियारी पार्क को गंदा कर रही है, पब्लिक पार्क है। ये पब्लिक पार्क है, तेरे बाप का पार्क नहीं है। हाँ तो तेरे बाप का, तेरा बाप का है फिर? मेरे भी बाप का नहीं तो ये पब्लिक पार्क है ना? पब्लिक पार्क है तो मुझे पब्लिक नहीं बोलू, तू क्यों बोल रहा है? मैं पब्लिक नहीं हूँ तो क्या तुम्हारा बाप हूँ? तेरा बाप बनेगा, जा ना तू, निकल चल यहाँ से। अबे हाथ ना लगाने, तो खींच के मारूंगा जो लफड़ा ना, जिंदगी भर याद रखेगी किसी ने मारा है। चल यहाँ से निकल। फिर हाथ लगा रही है तू? तो कह रही आराम से निकल जा, फुर्सत में दिमाग खराब करे जा रहा है बार बार। जूता निकाले, 10 जूता ही मुंह करेंगे। मार मार दे, निकल आज जूता, चल। ज्यादा कुछ चैट नहीं दिखा रही है तू, यार चैट नहीं दिखा रही है। माफी मंगवा रहा है, निकल जा चुपचाप से। मुंह खींच के मारेंगे, जबरदस्ती मारेगा। मेरे पास हाथ नहीं है मारने के लिए। लाखों में इसका बाप बोलता है, लाखों में एक है, कीचड़ है तू, कीचड़। तो तुझे क्या मतलब है? कुछ भी हो, कीचड़ हो, गंदगी हो, तुझे क्या मतलब? साले बुड्ढे के साथ रोमांस कर रही है पार्क में, तुझे क्या मतलब? मैं कुछ भी करूं, हंस रहे हैं, देख के हंस रहे हैं लोग। मैं चाहे कुछ करूं, तुझे क्या मतलब? तू निकल अपना, चल यहाँ से निकल। दिमाग खराब करा जा रहा है, बर्बाद कर रही है अपने बाप को तू। तो मैं अपने बाप को करूँ? तेरा बाप इतना सीधा है। मैं अपने बाप को करूँ, तेरे बाप को तो नहीं कर रही है। निकल चुपचाप, दिमाग मत खराब कर, ठीक है? क्या कर लेगी तू? क्या कर रही? चल यहाँ से निकल। बाप को फोन कर रहा हूँ, रुक कर दे, रुक रुक, तेरे बाप को फोन कर रहा हूँ। आओ। अरे अंकल, आपकी लवंडिया जो है बोल रही हम चुमे आएंगे, तुमसे क्या मतलब? बोला तेरे बाप का पार्क है, बताइए आपकी लवंडिया बोलते हैं लाखों में एक है, तो कीचड़ निकली, कीचड़। हाँ पूरा बुड्ढे को चुमिया आ रही है, आपका पड़ोसी है वही बुड्ढा। हाँ क्या नाम है इसका, नाम बताओ अपना। ऐसे मत, नहीं नहीं नहीं, भाई वो आपका पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ आपकी बेटी फंसी है। कुछ मत करो, ऐसा कुछ मत करो बिल्कुल। अरे पड़ोसी के साथ फंसी है आपकी बेटी, शर्म कर। अब अच्छा रिकॉर्डिंग करके भेजो इनका, रुको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम वीडियो बना के भेज रहा हूँ, रुकिए काट रहा हूँ फोन। भाई वीडियो मत बना, रुक रुक। अरे भाई, भाई वीडियो मत बना, रुक रुक। ये देखिए आपकी लवंडिया है, ये आपकी लवंडिया है, ये देखिए पड़ोसी है आपका, आपका ये पड़ोसी है, ये आपकी लवंडिया है। भाई वीडियो मत बना। ये देखिए लवंड, ये जो है आपका ये लवंडिया है, ये पड़ोसी है आपका, और दोनों एक दूसरे को चुमिया रहे थे, ये दोनों एक दूसरे को चुमिया रहे थे, यही इसी टेबल, इस टेबल पे बैठ के ये दोनों। वीडियो मत बना भाई, वीडियो मत बना। क्यों नहीं बनेगा भाई? वीडियो मत बना, मोबाइल दे, वीडियो मत बना। मोबाइल दे दो, मोबाइल प्यार से दे दो, मैं बता रहा हूँ। ना वीडियो क्यों बना रहा है तू? मोबाइल प्यार से दे दो। नहीं वीडियो क्यों बना रहा है तू? मोबाइल मैं बोल रहा हूँ प्यार से दे दो, नहीं तो। तुम्हारा फोन था, तुम्हारे बाप का फोन है, तुम्हारे बाप ने दिया है फोन, तो वीडियो क्यों बना रहा है? भेजूंगा तुम्हारे बाप को, अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ ना, अभी व्हाट्सएप करूंगा, कर दूं। भाई ऐसे काम मत करो, ना करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी अभी तो चैंट दिखा रही थी, अभी तो चैंट दिखा रही थी। इज्जत है हमारी, हमारी इज्जत है। अरे अपने गर्लफ्रेंड को समझाओ ना, वो कैसे चैंट दिखा रही है हमें। समझा, कोई भी बात अगली बार से नहीं होगा। क्या माफी मांग, अगली बार माफी से नहीं मांग रहे हम दोनों। चुमियाएगी तू इनको? नहीं, मैं चुमिया रही थी कि नहीं ये बताओ, बताओ चुमिया रही थी कि नहीं? चलो आप दोबारा करोगे इसे? अगली बार से नहीं होगा, बस वीडियो मत बनाओ, वीडियो नहीं बनाओ, डिलीट कर दो। डिलीट क्यों करूँ? तू तो अभी तक बोल रही थी कि नहीं तेरे बाप का पार्क है, क्यों ऐसे बोल रही? अगली बार से नहीं होगा, मैं माफी मांगती हूँ। माफी किससे, हमसे क्यों मांगेगी? आप ये तू खुद से माफी मांग रही, तू क्या कर रही है? मैं खुद से माफी मांगती हूँ, वीडियो डिलीट कर दो, अगली बार से ऐसे कुछ काम नहीं होगा। ऐसा काम नहीं करेगी? नहीं होगा बेटा, डिलीट कर दो। क्या डिलीट कर दो? मैं माफी मांगता हूँ। नहीं आप तो बुजुर्ग हो, बताइए इतनी एज हो गई, आप लवंडिया के साथ रोमांस कर रहे हैं, आपकी एज है रोमांस करने की? वो तो बात सही है, मैं माफी मांगता। आपकी तो बीबी भी है, सब कुछ है, बच्चे की शादी हो गई है, तभी कह रहा हूँ मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा बेटा। हाँ मैं, आप मेरे बेटे बराबर हो, मैं बेटा मैं समझ रहा हूँ, आप माफी मांग लेते हो, पैर मत ना पकड़िए, ठीक है? आप हमारे बाप के समान हो, ठीक है? पर हमारा बाप हमारे सामने, हमारा बाप हमारे, सुनिए पहले बात को, हमारा बाप हमारे सामने लौंडिया को चुमिया आएगा तो हमें कैसा लगेगा, बताइए? बात सही है, मैं फिर भी माफी मांगता हूं बेटा, आप मेरे को माफी भी माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, मैं आज के बाद इसको दोबारा कभी नहीं, अगली बार से होगा माफ कर दो, कुछ नहीं करूंगा मैं। चुमिया आएगी तू? पहले चैट करेगी? नहीं करूंगा, चैट दिखा रही थी जो हमें अभी की नहीं। हां नहीं होगा ऐसा, मुझे माफ कर, कान पकड़, मुझे माफ कर। उठो बैठो, पांच बार उठो बैठो, चुम्मा चाटी कर रहे हैं यहां पे, पार्क बनाए इनको, चुम्मा चाटी करेंगे, बैठो उठो पहले, यहाँ पे चुमिया कर, माफी मांगते हैं हम, बैठो पांच बार, खड़े हो जाओ, दोबारा चुम्मा चाटी करोगे पार्क में? नहीं होगा, चुम्मा चाटी होगा? नहीं होगा, अगली बार से मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगती हूँ। चुम्मा चाटी नहीं करोगे ना? नहीं, अगली बार से मैं आऊंगी। बट इस लड़की का जो है वो दोबारा इसके साथ रहेंगे, घूमेंगे? नहीं, आपके बाल बच्चे है ना? बिल्कुल, उनको समय दीजिए, आपकी बीवी है ना उसको समय दीजिए, देंगे ना? अगली बार से नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। नहीं होगा ना? नहीं होगा अगली बार। चलो निकलो, जाओ फटाक से निकलो यहाँ से, वीडियो डिलीट कर। हाँ वीडियो ये डिलीट कर देंगे, नहीं भेजेंगे इसके बाप को, जाओ। डेली डेली इनको कई दिनों से देख रहे हैं ये लोग, यहाँ पे पार्क में चुमिया रहे हैं, कई दिनों से देख रहा था मैं। इधर सुनो, इधर
पहले इधर आओ, क्या पता तुम लोग दोबारा चुमी आओगे एक दूसरे को। इधर आओ, इधर इधर यहाँ खड़े हो जाओ, पहले यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हो जाओ दोनों। एक्चुअली हम लोग साथ ना थोड़ा सा मजाक कर रहे थे यार, हम आपको पापा कॉल नहीं किए थे, नहीं हम आपके पापा को जानते हैं। मेरे पापा को नहीं जानते हो? नहीं जानते यार, सच में नहीं जानते ना? नहीं जानते, आप साथ छोटा सा मजाक कर रहे थे यार। देखो उधर मजाक ही था। हाँ उधर कैमरा लगा के रखा हुआ था, बस आप लोगों के साथ छोटा सा प्रैंक कर रहा था यार। अरे हम तो खुश हो गए आप तो। अरे वाह, पूरी हंसी वापस आ गई। छोटा फनी वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे वीडियो नहीं। हमें नहीं, हमें देखो आपसे प्यार से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, बट हम आपसे छोटा कई कई दिनों से आप लोग को देख रहा था, तुमने सोचा आज प्रैंक कर देते हैं अंकल। वो जो है पड़ोस में रहती है तो थोड़ा समाज में थोड़ा बहुत हो जाता होगा, ठीक है। तो कोई अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हमने शूट कर लिया वीडियो तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरे चैनल पर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत, चलो ठीक है, ठीक है, जाइए, बहुत अच्छे हैं आप लोग। अरे हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, विशाल बनारसी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। लव यू ऑल।